स्वामी जी, एक इंस्टाग्राम के मित्र बार बार एक मैसेज कर रहे थे और बड़ा अफसोस होता है कि लोग अपनी बीमारियों से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाने की बातें कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। बड़ा ये अफसोसनाक है, इतना किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। तो वो आई फ्लोटर्स को लेकर के बड़े परेशान हैं, तो आई फ्लोटर्स को कैसे ठीक किया जाए? आई फ्लोटर तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं, नॉर्मल सी चीज है। मैंने कितने लोगों के लाइव एग्जांपल इंडिया टीवी पर दिए हैं। अक्षी तर्पण कर ले मात्र 3 दिन, आंखों के सामने ऐसे बादल से अंधियारा सा कुछ काले काले पंछी से ऐसे उड़ते उड़ते से नजर आते हैं। तो ये अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से, ये पॉइंट दबाने से, आई ग्रिड से, अक्षी तर्पण से, यदि अक्षय तर्पण कराने के लिए ना आ सके वैसे तो आ सकते पतंजलि वेलनेस में, सबके लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं। ये घर में ही महा त्रिप्राकृत आँख में डालें और एक एक चम्मच गाय के दूध में डाल करके पी लें और गाय का ही घी खाएं सब्जी में और दाल आदि में डाल करके एक एक चम्मच, बस इतना सा कर लें, 3 से 7 दिन में आई फ्लोटर्स ठीक हो जाएंगे मेरे भाई। बहुत दिक्कत होती है आँखों के सामने, कुछ कुछ ऐसे ही नाचता रहे दिखता रहे जो नहीं है, और कई बार तो डबल विजन, कलर विजन, बहुत तरह की दिक्कतें, और सबका सॉल्यूशन है योग करो, योग न हो रहो निरोग, इसलिए सब रोगों से जंग। और हारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, टीवी के संग बीमारी कोई भी हो उसका इलाज होगा। और परेशान अगर आप हैं तो अपने से ज्यादा परेशान आदमी को देखें कि वो कैसे अपनी जिंदगी जी रहा है। मुस्कुराते हुए बिल्कुल खुश रहिए और अपनी जो बीमारी है उससे लड़िए और उससे जीत हासिल करिए। स्वामी जी, हम ये पहले ही दिखा चुके हैं स्क्रीन पर कि आज आप हरिद्वार से निकल करके दिल्ली में, आज आप आप यहाँ दिल्ली में हैं, तो आज योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद आप मुंबई जा रहा हूँ और मुंबई से वापस लौटूंगा, कल हरिद्वार से योग करवाऊंगा। जी जी, तो कोई रामबाण आयुर्वेदिक नुस्खा आज आप जो आप बताने वाले हैं उसकी तैयारी आप करें। तो स्वामी जी, आज के आपके पिटारे में क्या है नुस्खा? ये है रामबाण। अच्छा, हाथों के बल चलना सिखाते हैं, हैंड वॉक। लोगों को सीधा चलना नहीं आता, हैंड वॉक सिखाते हैं। और ये एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, ये इसका जूस बना करके पी ले, और इसमें यदि आंवला, एलोवेरा और गिलोय मिला देते हैं ना, तो फिर तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के लिए यह है रामबाण। हमारे साथ योग करें और ये छोटी छोटी होम रेमेडी अपनाई गई तो पूरा देश यानी दुनिया निरोगी, रोग मुक्त हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। की हमारी साधना है कल सुबह 7 बजकर के छप्पन में बाल खोल के स्वामी जी गंजा को जलाते हैं आप। ये ठीक है, चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम।